नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन किरतुनी और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एके सक्सेस में। तो दोस्तों, आज से मैं ग्रुप डी के लिए स्पेशली वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज से स्टार्ट कर दिया हूं दोस्तों। तो आपको डेली एक वीडियो जो है ग्रुप डी पे मिलेगा। जो लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो मैं कोडिंग और डिकोडिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ दोस्तों, सभी जो पेपर प्रीवियस ईयर्स में जो भी पेपर हुए हैं उन्हीं से मैं लिया हूँ। तो जो भी बुक से मैं करवा रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो में तो डेली मिलते ही रहेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने रीजनिंग के, जब रीजनिंग का जो मेरा प्लेलिस्ट है वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो एबीसीडी का नंबरिंग है उसको कैसे याद करना है उसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, नंबरिंग जब कर देंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि नंबर देखते ही हमें पता चल जाता है कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है। जैसे एस टी ऐसे देखेंगे, कभी कभी दो गैप फिर तीन के गैप में होता है, तो वैसे में थोड़ा दिक्कत होता है उंगलियों में यदि गिन के करेंगे। तो हम नंबरिंग कर देंगे, उसके बाद इजीली कर लेंगे। जैसे देखिए, एस का क्या होता है नंबरिंग, नंबर 19, टी का 2020, यू का युवा 21 साल में, डी का 4, ई का 5, एन का क्या होता है मेरा नाम 13 14। मेरा का क्या हो जाएगा, एम से मेरा नाम 13 14 है, मतलब मेरे के लिए एम के लिए 13 और एन के लिए क्या हो जाएगा नाम से 14। इसी तरह 2020, आर से राइट एज पर वोट कितना होता है दोस्तों 18 साल, यू से युवा, ई से 2020, ई से 5, डी से 4, ओ से क्या होता है दोस्तों 15 होता है, जे ओ टी वाई। तो जे का क्या होता है दोस्तों 10 और ओ का 15, टी का 20 और वाई का कितना होता है 25, पांच पांच के गैप में होता है, ठीक है। अब यहां से एस से कितना हो जाएगा 19, इसी तरह इसका भी नंबरिंग कर दीजिए। आर का क्या होता है राइट एज पर वोट 18 साल, डी से 4, जी से 7, ये 7 की तरह बनता है तो 7 हो गया, पी से पूजा, 16 सोमवार पूजा करते हैं लड़कियां, ठीक है, 16 सोमवार का व्रत रखते हैं ऐसे याद रख सकते हैं पूजा, ठीक है। के से K11 या फिर क्रिकेट 11, बी से 2, क्यू से क्वीन होता है और रानी किसका निशानी होता है 17 खतरा, खतरा की निशानी मतलब रानी 17 खतरा, तो ये क्या हो जाएगा 17, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है 19 और यहां पे क्या है 18, मतलब इसमें और इसमें क्या रिलेशन बन रहा है माइनस 1 हो रहा है, फिर 20 है और उसके बाद क्या हो रहा है 21 है तो क्या हो रहा है प्लस 1, फिर 21 है उसमें क्या हो रहा है 20 हो रहा है मतलब माइनस 1, फिर 4 है और उसमें क्या हो रहा है प्लस 1, मतलब क्या हो रहा है एक में माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1, ये सीरीज चल रहा है। तो इसमें क्या होगा माइनस 1 इसमें प्लस 1 इसमें माइनस 1 इसमें प्लस 1, मतलब यहां पे जो भी कूट रहेगा उसका वहां पे क्या होगा। दोस्तों मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आप क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए क्या है। यदि स्टूडेंट को कूट में आर यू टी डी ओ एस लिखते हैं तो कौन से शब्द को कूट में आर डी जी पी के बी क्यू लिखा जाएगा। यहां पे क्या बोल रहा है कौन से शब्द को कूट में, ठीक है, मतलब कौन से, जैसे कि स्टूडेंट शब्द को किसी कूट में ये लिखा जाता है तो कौन से शब्द को, शब्द मतलब इस साइड जो आएगा वो बोल रहा है, मतलब जो जैसे स्टूडेंट एक शब्द है उसी तरह कौन से शब्द को उसी कूट में ये लिखा जाएगा, ये है क्वेश्चन। अब देखिए आर क्या हो रहा है माइनस होने के बाद आ रहा है, तो माइनस होने के बाद कितना आना चाहिए, एक जब माइनस होगा तब 18 आएगा, तो क्या होगा 19 होगा तभी जाके एक माइनस होगा तो 18 आएगा, उसके बाद प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 1 यहाँ प्लस 1 यहाँ माइनस 1, अब 19 आ गया, अब यहाँ पे प्लस 1 होने के बाद आ रहा है मतलब क्या होगा यहाँ पे 3 होगा तभी प्लस 1 करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे माइनस 1 के बाद आ रहा है तो कितना होगा 8 होगा तभी माइनस 1 हो जाएगा, इसी तरह प्लस 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 16 की जगह 17 हो जाएगा प्लस 1 करेंगे, सॉरी यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 16, इसी तरह 11 कब आएगा जब यहाँ पे 12 होगा माइनस 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा, इसी तरह 2 की जगह पे क्या क्या होगा प्लस 1, मतलब क्या होगा यहाँ पे दोस्तों 1 जब यहां रहेगा प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसी तरह माइनस 1 करना है माइनस 1 किसमें, जब 18 होगा माइनस 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब इसका नंबर क्या आ जाएगा 19 किसका होता है एस का होता है, 3 क्या होता है सी का, और 8 कितना किसका होता है एच का होता है, 15 जे ओ टी, ठीक है, ओ का कितना होता है 15, इसी तरह 12 क्या होता है 12, 12 से क्या होता है लंच होता है 12 बजे लंच होता है, इसी तरह ए का ए और राइट एज पर वोट 18 होता है वो कितना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्कॉलर, ठीक है समझ में आया, कैसा
कैसे करना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। यदि किसी कूट में गार्डन को इस नंबर से डिनोट करते हैं, वाटर को इस नंबर से डिनोट करते हैं, तो गार्डन को किस नंबर से डिनोट करेंगे वो हमें बताना है। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग का ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, W चाहिए। W कहाँ है ये देखिए, W W के लिए पहला पहला ही अक्षर क्या है, W W के लिए क्या हो जाएगा, 9, तो 9 हो जाएगा। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 9 हो गया, ये A के लिए क्या होगा, ये है। अब यहाँ पे भी ये है, देखिए ये के लिए क्या है, 2, तो 2 हो जाएगा, 9 2। इसी तरह R, R के लिए क्या है, ये लास्ट वाला मतलब 5 हो जाएगा, 5। इसी तरह D, D कहाँ आ रहा है, ये D आ रहा है, तो 2 पहले मतलब 7 हो जाएगा D के लिए। इसी तरह ई, ई कहाँ आ रहा है, ये दोनों से लास्ट से सेकेंड है, यहां से ये सेकेंड है, मतलब कौन सा, 6 6, दोनों जगह दिख रहा है, 6 हो जाएगा। एन, एन कहाँ आ रहा है, ये एन आ रहा है, एन क्या है, 4, मतलब 9 2 5 7 6 4 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए चारकोल को जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही है, इसको चारकोल को इस नंबर से डिनोट करते हैं, मॉरल को इस नंबर से डिनोट करते हैं, तो अल्सर को किस नंबर से डिनोट करेंगे वो हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए ये है, ये कहाँ है, ये कौन सा नंबर है, चौथा नंबर, यहां से 1 1 2 3 4, तो 1 हो जाएगा ए के लिए, ठीक है। या फिर इसमें देखिए ये है, यहां से ये 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। एल, एल कहाँ आ रहा है, लास्ट नंबर, ये लास्ट 3, या फिर चाहे तो इसमें भी है, तो ये सेकेंड लास्ट है, तो ये क्या है, 3 है, और डबल एल है, तो 3 3 हो गया। ओ, ओ के लिए क्या है, ये तीसरा लास्ट से तीसरा, तो ये कौन सा है, 9। इसी तरह सी, सी कहाँ आ रहा है, ये पहला वाला ही सी है, 4। इसी तरह एच, एच कहाँ आ रहा है, ये सेकेंड, 5। इसी तरह आर, आर कहाँ आ रहा है, यहाँ सेकेंड आ रहा है, मतलब सॉरी थर्ड आ रहा है, तो 6 हो जाएगा। और ई, ई कहाँ आ रहा है, लास्ट, 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 3 9 4 5 6 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड में रीजन को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा आपको वहां टाइम लग सकता है एग्जाम में, तो बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे जो यूज किया गया है, हो सकता है आप नंबरिंग करो फिर उसको ऐड करो तब जाके, वैसे भी होता है, बट यहाँ क्या है, नंबर बहुत छोटे दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखना है यहाँ पे कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या हो रहा है, 6 माइनस 1, तो कितना आ गया, 5। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 माइनस 1, तो कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे कितना है, 10 लेटर, तो माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये पांचवा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है कि किसी कूट में डीज को यदि 3587 लिखते हैं, फाइल को 7465 लिखते हैं, तो आइडियल को क्या लिखेंगे वो उसी कोड में ये बताना है। तो देखिए आई क्या है, आई ए सेकेंड, सेकेंड क्या है, 4। इसी तरह डी, डी क्या है, फर्स्ट वाला है, 3। ई, ई ए है मतलब 5। इसी तरह ए, ए के लिए क्या है, 8। और एल के लिए क्या है, 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 5 8 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि लोड को MPBE के रूप में कोड किया जाता है और ड्राइव को ESJW के रूप में कोड किया जाए, तो लैडर को आप कैसे कोड करेंगे, ठीक है ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे तो सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एल के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है, ओ के बाद पी, ए के बाद बी, डी के बाद ई आता है, तो यहाँ नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, आपको देखते ही समझ में आएगा, आ जाएगा कि क्या करना है। जब कभी 2+2 होता है, फिर -1 होता है, या फिर 5 का गैप होता है, 6 का गैप होता है, उस केस में थोड़ा क्या होता है, जब नंबरिंग कर देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें तो ज्यादा देखने की नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना ही सरल आता है, थोड़ा आप वहां जाके क्या, तो थोड़ा यदि प्रैक्टिस नहीं होता है तो हम वहां पे क्या होता है, ज्यादा टाइम ले लेते हैं, ये होता है, आता तो सबको है, बट आप थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, डी के बाद ई, आर के बाद एस, आई जे, वी से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ई के बाद क्या है, यहाँ पे एफ मिस हो गया, एफ हो जाएगा, ठीक है, तो एक एक ऐड हो रहा है। इसी तरह एल के बाद क्या होगा, एल के लिए एक ऐड करेंगे, ठीक है, एल, एम, ए के बाद बी, डी के बाद ई, ई, ई के बाद एफ, और आर के बाद एस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम बी ई ई एफ एस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये सातवां क्वेश्चन है, देखिए क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, नंबरिंग कर दीजिए, एफ क्या होता है, फिक्स, सिक्स, ठीक है, एफ फॉर फिक्स, सिक्स,
वो क्या होता है 15 JOT 10 15 20 ठीक है। इस द आर राइट एज फॉर वोट 18, जे क्या होता है 7 E 5 F 6। इस तरह पी 16 सोमवार, पूजा 16 सोमवार, टी 2020, जे जे ओ टी तो क्या होता है जे ओ टी तो जे 10 होता है। और ये क्या है आई है तो आई का क्या होता है दोस्तों आई आई नो। एक हमारे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था जब मैंने आई को क्या बताया था याद करने के लिए, इस तरह आई को लिखा जाता है तो नो होता है ठीक है। या फिर आई का क्या होता है हम लिखते हैं क्या आई नो, आई नो मतलब मैं जानता हूं ठीक है। तो आई नो को आप क्या पढ़ सकते हैं आई नो ठीक है, आई नो आई नो। इसी तरह आई नो तो नो क्या हो जाएगा आई का क्या होता है नंबर। यदि दोस्तों आपको भी इसी तरह कुछ ट्रिक आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखा करिए, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि सबको पता चले, आप किसी एक बंदे के पास तक वो ट्रिक सीमित ना रहे, आप सबको पता चले ताकि सबका सलेक्शन हो ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और लगभग सभी का जवाब भी देता हूँ ठीक है। तो चलिए आई का क्या होता है आई नो, या फिर इस तरह जिस तरह आपको याद रहे तो आई नो ठीक है, नो हो गया। अब देखिए सिक्स क्या है, इसमें क्या हो रहा है जीरो, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। 15 15 का क्या हो रहा है 16 हो रहा है तो +1 हो रहा है। 18 का क्या हो रहा है 20 +2 हो रहा है। 7 का क्या हो रहा है 10 तो क्या हो रहा है +3। इसी तरह लास्ट क्या है 5 +4 मतलब क्या हो रहा है पहले वाले में जीरो ऐड हो रहा है फिर उसमें एक एक बढ़ा बढ़ा के ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों पहले वाला में जीरो ऐड होगा सी रहेगा, मतलब इसको आप नंबरिंग कर दीजिए। ये क्या है 3 U युवा, L क्या होता है 12 12 बजे लंच होता है, P क्या होता है 16 सोमवार, पूजा राइट एज फॉर वोट 18 साल, I 9 तो 9 हो जाएगा, T 2020। अब क्या करना है इसमें सेम रहेगा, तीन का तीन ही रहेगा, 21 में क्या करना है एक ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 12 का 13 14 हो जाएगा, दो ऐड करना है 14 हो गया, इसमें दो ऐड किया इसमें तीन ऐड करेंगे तो 16 और 3 19। इसी तरह इसमें क्या करेंगे चार ऐड करेंगे तो 18 और चार कितना हो जाएगा 22। इसी तरह 9 में क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 1 10 4 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 किसका कोड होता है सी का, 22 क्या होता है V फॉर 22। इसी तरह 14 मेरा नाम 13 14 नाम से 14, इसके बाद क्या आया था 19 19 क्या होता है एस का, 22 का V और 14 क्या है मेरा नाम 13 14। तो आंसर क्या हो जाएगा CVNSVN। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नंबरिंग करने के बाद कितना आसान हो गया, हमें दिख गया कि कितना कितना जुड़ रहा है। यहाँ पे यदि आप नंबरिंग नहीं करके करेंगे तो आप उंगलियों में गिनते रहेंगे कि कितने कितने के बाद होता है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। यहाँ पे एक छूट गया था ये 20 20 में क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 6 26 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, मतलब CVNSVNZ ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये 8वां क्वेश्चन है, आपको दोस्तों थोड़ा वैरायटी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो पता चल रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है यदि A=1 है और FAT=27 है तो FAINT फेंट का कितना होगा कोड वो हमें बताना है कितना होगा उसका। अब A=1 मतलब A का नंबरिंग 1 है। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ कितने हैं 2 ही नंबर है और यहाँ पे कितने लेटर है 3। तो इस तरह से हम इसके पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे कि F=2 हो जाएगा A=7 हो जाएगा तो यहाँ तो 2 ही नंबर है तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या किया होगा इसका जो नंबरिंग है उसका ही गुना भाग कुछ भी किया होगा। तो F का कितना होता है फिक्स 6 ठीक है, F F से फिक्स 6 ठीक है तो 6 हो गया। ये कितना होता है 1 T 2020। अब इन तीनों का यदि हम ऐड कर दे 20 और 6 26 और 1 27 हो रहा है 27। इसी तरह हमें क्या करना है इसका नंबरिंग नंबरिंग करना है उसको फिर ऐड करना है। तो दोस्तों आप क्या कर आपको यदि एबीसीडी की नंबरिंग याद होगा तो कोडिंग डिकोडिंग आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा एफ फिक्स 6 A 1 I नो 9 ठीक है, N मेरा नाम 13 14 इसी तरह T 20। अब इसको क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए 9 और 1 10 20 30 और 10 40 और 4 44 और 6 कितना हो जाएगा 50। तो आंसर क्या हो जाएगा 50। फेंट के लिए कितना नंबर से डिनोट करेंगे उसको 50 से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये 9वां क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है स्ट्रीम लाइन का दी इससे किसी कूट में स्ट्री या किसी भाषा में स्ट्रीम लाइन का दी इससे दर्शाया जाता है तो साइंटिफिक को क्या किस कोड से दर्शाएंगे वो हमें बताना है। अब यहाँ पे कैसे करना है देखिए बहुत लंबा है वही चीज है, आप यदि नंबरिंग कर देंगे बहुत आसान हो जाएगा। एस 19 20 2020 राइट एज फॉर वोट 18 साल, E 5 A 1 M मेरा नाम 13 14 या फिर मैं 13 हीरो 13 हो गया। L क्या है 12 12 बजे लंच होता है, I क्या है I नो 9, N क्या होता है मेरा नाम 13 14, E क्या होता है 5। इसी तरह B का क्या होता है 2 F फिक्स 6।
आपको दोस्तों मैं लग रहा होगा कि मैं लिख रहा हूं तो काफी टाइम लग रहा है, आपको जब याद होगा तो क्योंकि मैं बोल रहा हूं फिर लिख रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, आप जब करेंगे तो खटाखट कर लेंगे एकदम जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। अब क्या करना है, एस क्या होता है, 19, युवा, 21, मैं क्योंकि जैसे एफ का फिक्स सिक्स बोल रहा हूँ तो फिर सिक्स लिख रहा हूँ, मेरे को तो याद है कि एफ का सिक्स होता है, एस का 19 होता है, यू का 21 होता है, मेरे को वो जब आप याद कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये इजी लगेगा। डी क्या है, 4, एम कितना है, 13, एच कितना है, 8, और के 11, एल 12। अब दोस्तों यहाँ पे आपको रिलेशन देखना पड़ेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, आधा आधा डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कितने वर्ड है देख लेते हैं, कितने लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 5 5 में इसको बांट ले, 5 5। अब देखिए कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, इसमें भी 5 5 बांट ले, ये 5 और ये 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे पांचवा कितना है दोस्तों, टी है, टी, ऐसे तो रिलेशन नहीं बन रहा है, कैसे रिलेशन बन सकता है, 1 है और इसमें 2 बन रहा है, प्लस 1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 5 है इसमें 6 बन रहा है, प्लस 1, यहाँ पे 18 है इसमें 19 बन रहा है, प्लस 1, यहाँ पे 20 है इसमें क्या हो रहा है, प्लस 1, इसी तरह 19 है इसका, सॉरी यहाँ पे युवा पर 21 हो जाएगा, और टी के लिए यहाँ पे 20 भी आएगा दोस्तों, तो प्लस 1, 19 और 1, 20 हो गया। अब देखिए इधर का देखिए मतलब क्या हो रहा है, ये जो पहला वाला था मतलब जो पांचवा आएगा, तो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो हम 5 5 में बांट लेंगे, ये 5 हो गए, और इधर के 5, तो ये वाला जो है इसका प्लस 1 करके पहला आ जाएगा, इसका सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। अब देखिए ये तो पहले 5 का हो गया यहां तक, अब सेकेंड वाले 5 का कैसे करना है, देखिए 5 है यहाँ लास्ट वाला, उसके बाद आएगा 5 में -1 हुआ है, 14 में -1 हुआ है, फिर 9 में -1 हुआ है, मतलब इसमें क्या होगा, लास्ट वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद एक एक नंबर आएगा, मतलब इधर से इधर जाना है और इधर से इधर जाना है, मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इधर से ए चलेगा सीरीज, ठीक है। अब इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, एस का कितना होता है, 19 होता है, सी का 3, आई का 9, ई का 5, एन का 14, टी का 20, आई का 9, एफ का 6 होता है, आई का 9 और सी का 3, ये हो गया। अब 5 5 के में डिवाइड कर ले, 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक और यहां तक, तो हमें कैसे जाना है, ऐसे जाना है, मतलब इसका पहले आएगा 14 और एक, इसका आ जाएगा 15, मतलब 15 पहले आएगा, ठीक है, 5 और एक 6 हो जाएगा, 9 और एक 10 हो जाएगा, 3 और एक 4 हो जाएगा, और 19 और एक 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहां कौन सा होगा, पहले ये वाला आएगा, इधर आएगा, ठीक है, तो 3 3 में एक घटेगा 2 हो जाएगा, 9 में एक घटेगा 8 हो जाएगा, 6 में एक चला जाएगा कितना आएगा 5, और 9 में एक गया 8 आया, और 20 में एक गया 19 आ गया, यहाँ पे 15 कितना होता है, जे ओ टी, वो 15 होता है, 6 क्या होता है, एफ होता है, जे 10 होता है, 4 किसका होता है, डी, और 20 किसका होता है, T20, 2 किसका होता है, बी, 8, एच, 5 किसका होता है दोस्तों, E5, और 8 एच का होता है, 19 किसका होता है, एस, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओ एफ जे डी टी बी एच ई एच एस। तो दोस्तों देखा आपने कि किस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इसी टाइप के डेली आपको एक दो वीडियो मिलते ही रहेंगे, ग्रुप डी के ऊपर अलग से स्पेशली जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद, जय भारत।